आशीष फ्रॉम म्यूजिक इंडिया. ओके विशाल, सवाल ये है कि दो सक्सेस फिल्में दोनों सक्सेस रही आपकी हिट स्टोरी की सीरीज की, और अभी आपने जो वजह तुम में जो फिल्म किया, ट्रेलर देख के ऐसा लगता है हर एक वजह है हिट बनाने के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होने वाला है बॉक्स ऑफिस पे? बॉक्स ऑफिस तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता यार, अगर पहले से प्रिडिक्ट करता तो मैं अभी से सक्सेस पार्टी कर लेता, बट वो तो मिलना मुश्किल है, वो तो फ्राइडे को ही पता चलेगा. बट वी नो कि हम लोग ने बहुत ही एक नया कंटेंट बनाया, नई स्टोरी है जिसमें सबके जो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे मैं टेक्नीशियन की बात करूँ, चाहे एक्टर्स की बात करूँ, अभी जो PR है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, सबकी मैं बात करूँ, सब ने अपना 100% दिया है. सो आई थिंक ऊपर से वुड लाइक टू टेल यू, अभी जैसे हम लोग एंटर हो रहे थे पता चला कि बैक एंड से पता चला कि वी हैव क्रॉस्ड 1 million व्यूज इन 7 hours एंड दैट्स ह्यूज. सो आई थिंक कहाँ ना कहाँ अभी ये आंसर मिल ही गया अभी आप लोगों को भी. अच्छा सना, अभी तक तो लगा था कि विशाल की फिल्म से जरीन खान ने बोल्डनेस की साथ सारी हदें पार कर दी थी, अभी ट्रेलर में दिखा काफी आप बोल्ड नजर आए, कुछ कहेंगे आप? आई थिंक जो भी फिल्म है, इट्स अ फिल्म, ऑब्वियसली इट्स अ फैंटेसी दैट यू लिविंग विद एवरी फिल्म दैट यू वॉच. सो आई ऑलवेज फील दैट एक्ट्रेस हैज़ टू बी प्रिटी एंड डिजायरेबल, देन कम्स एक्टिंग विच इज़ वेरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन वॉट रोल यू प्ले. एंड बोल्डनेस की सारी हदें तो मैंने पार नहीं की, ऐसी कुछ फिल्में अभी रिलीज हुई है जहाँ पर पूरी हदें पार हुई है, बट आई थिंक इन दैट ग्राउंड आई एम स्टिल वेरी शाय. एंड आई थिंक इतना कुछ तो, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्ट्रेस, इतना ओपन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आई कैन डू अ रिलीजियस फिल्म इफ आई एम नॉट ओपन टू दिस. विशाल, हाय, कमलिया फ्रॉम E24. हाय. यप विशाल, आपसे जानना चाहूंगा कि हिट स्टोरी 1, 2 एंड 3, इरोटिक रोमांटिक, अभी ये इरोटिक थ्रिलर मूवी है आपकी, तो ये क्या आपका एक जो प्लान है कि इरोटिक ही बिक सकता है मार्केट में, मींस लाइक इरोटिक ही आप बेच सकते हैं, आप जो ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, तो क्या ये वजह रही कि आप नहीं, वो वजह नहीं रही एक्चुअली. पहली बात, सबका एक जॉनर होता है, तो इनिशियली मैं अपना एक जॉनर बिल्ड कर रहा हूँ कि लाइक अब्बास मस्तान है, सबका एक जॉनर है, तो हम जस्ट बिल्डिंग अप द जॉनर, और रही इरोटिक ही चल सकती है, और कोई बना नहीं रहा है, और कोई बनाएगा तो मैं दूसरी कुछ बना लूँगा, तो हम जस्ट एक रेस जो होती है और एक कॉम्पिटिशन में छोड़ के जा रहा हूँ कि या फिर मेरे से बनाओ या मेरे से ऊपर बनाओ.